चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा अगर एक लॉन्ग कंडक्टर में करंट कैरिंग करंट जो है जो आपका आई है और डिस्टेंस आर है, तो इसका हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू फोर, इसका हो जाएगा 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई बाई 2π r, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, आई बाई 2π r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एक्साइटेशन ऑफ ए साइक्रोनस जनरेटर फेल्स, अगर एक्साइटेशन फेल हो जाए तो क्या हो जाएगा साइक्रोनस जनरेटर का, तो ये इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करेगा, ऑप्शन नंबर बी इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट गिवेन बिलो रिप्रेजेंट गेट, ये कौन सा सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, नैंड गेट। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इस तरह का डायोड होता है, डायोड ये होता है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, इधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसको एनोड बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं इस साइड को, और नेगेटिव साइड को कैथोड बोलते हैं, नेगेटिव साइड को कैथोड बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी। अगर डायरेक्शन ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करेंट फ्लो व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये आपका वाट मीटर का कनेक्शन दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं वाट मीटर अगर ये आपका सीरीज में जुड़ा रहे सीरीज में, तो ये सीरीज में है, इस तरह से आपका पैरेलल दिया हुआ, तो ये आपका हो गया क्या, करेंट कॉइल, ये हो गया आपका प्रेशर कॉइल, दोनों एक दूसरे से पैरेलल में जुड़ा हुआ। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में जुड़ा हुआ, तो थ्री फेज मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे आर बाई बी थ्री फेज है, तो इसको थ्री फेज करेंट पावर को मेजर करने के लिए 2 वाट मीटर का उपयोग करते हैं, पहला वाट मीटर हो गया, दूसरा वाट मीटर हो गया। तो ये देखिए आपका जो हो गया, ये इसमें करेंट कॉइल और प्रेशर कॉइल सबसे पहले पहचानते हैं, तो देखिए ये हो गया आपका करेंट कॉइल और इसके नीचे ये हो गया आपका प्रेशर कॉइल, इसी तरह से ये भी आपका करेंट कॉइल, ये हो गया प्रेशर कॉइल, ठीक। तो देखिए इसमें देखते हैं प्रेशर कॉइल कहाँ कनेक्ट है, यहाँ से देखिए आपका प्रेशर कॉइल इसका आपका जा करके यहाँ आईबी में कनेक्ट है, कहाँ कनेक्ट है, तो आईबी में कनेक्ट है। पूछ रहा है कि द सर्किट द प्रेशर कॉइल ऑफ 2 वाट मीटर कनेक्टेड, प्रेशर कॉइल कहाँ कनेक्ट है, तो प्रेशर कॉइल पहचान यहाँ से पहचान में आ गया, ये आपका करेंट कॉइल हो गया, ये आपका प्रेशर कॉइल हो गया, तो प्रेशर कॉइल देखिए आपका जा करके कहाँ आईबी में जा कनेक्ट हुआ, और इसका देखिए इसका भी प्रेशर कॉइल जा करके कहाँ कनेक्ट हुआ, आईबी में, तो इसका यहाँ बी फेज में कनेक्ट हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए साइडेड पोल मोटर इज ए बेसिकली, साइडेड पोल मोटर क्या होता है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, याद रखिएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, ये जो है जो साइडेड पोल मोटर है, जो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर भी है, याद रखिएगा ये क्या है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर भी है। तो साइडेड पोल मोटर क्या है, बेसिकली ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, और ये जो है जो सेल्फ स्टार्टिंग होता है, आपका पूछा जाए ऑप्शन दिया रहे कि कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है, तो साइडेड पोल मोटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वाइल इज वुंड विथ 50 टर्न, टर्न नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ कितना 50, करेंट दिया हुआ आपका 8 एम्पियर, फ्लक्स आपका दिया हुआ है 20 माइक्रो, पूछ रहा है क्या इंडक्टेंस ऑफ कॉइल क्या होगा, तो L बराबर हम लोग क्या जानते हैं, N φ I, सब कुछ दिया हुआ है, N बराबर दिया हुआ 50, फाई का वैल्यू यानी फ्लक्स बराबर दिया हुआ है 200 माइक्रोवेव,
माइक्रोवेव को करेंगे तो 10^-6 6 वेबर हो जाएगा डिवाइडेड बाई आई का वैल्यू दिया कितना 8। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.25 मिली हेनरी, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट हाफ लोड इज 400 वाट, देन द कॉपर लॉस क्रोस्पॉन्डिंग एट फुल लोड, फुल लोड पर क्या होगा? तो हाफ लोड पर कॉपर लॉस दिया 400, तो फुल लोड पर क्या हो जाएगा? तो फुल लोड पर इसको कैसे निकालेंगे? तो डब्ल्यू सी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, डब्ल्यू सी बराबर एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा डब्ल्यू सी कॉपर लॉस फुल लोड। तो यहाँ आपका दिया हुआ हाफ लोड पर कितना दिया हुआ 400 बराबर एक्स का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू दिया हुआ कितना हाफ लोड, तो हाफ लोड का मतलब क्या हुआ 50/100 इक्वल टू क्या हो गया 0.5। तो यहाँ हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर इंटू डब्ल्यू सी यू कॉपर लोड एट फुल लोड। तो इसका जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना 1600 वाट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ कंडक्टर वोल्टेज एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ डिस्क, ये आपका फार्मूला किसका है, स्ट्रिंग इफिशेंसी इसका आपका डिफिनीशन दे दिया गया है। रेशियो ऑफ कंडक्टर वोल्टेज एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ द डिस्क डिफाइंड एज स्ट्रिंग इफिशेंसी, स्ट्रिंग इफिशेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट एक्सप्रेसेस चेन रिएक्शन किसमें होता है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। इसमें यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए थ्री फेज इंडक्शन मशीन व्हेन इट इज ऑपरेटिंग लाइक ए मोटर द रेंज ऑफ स्लिप का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए, 0 से बड़ा 1 से छोटा। याद रखिए स्लिप बराबर क्या होता है, स्लिप बराबर फार्मूला होता है ns साइक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। तो इसका रेंज कितना होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। विच ऑफ द फ्लोइंग लॉस इज टुगेदर कॉल्ड आयरन लॉस, आयरन लॉस किसको कहा जाता है? तो 24 का ऑप्शन नंबर डी ईडी करेंट लॉस और प्लस हिस्टेरेसिस लॉस को ही क्या बोला जाता है, आयरन लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज ए ट्यूब डेट ब्रिंग वाटर टू टर्बाइन, तो कौन प्रोवाइड करवाता है? तो इसका हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी, पेन स्टॉक, याद रखिएगा पेन स्टॉक। व्हेन ए सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज यूज्ड इन ए सिंगल, भाई क्यों सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यूज किया जाता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी, टू कट ऑफ द स्टार्टिंग बाइंडिंग एट एंड एप्रोसिएट इंस्टेंट, एक एप्रोसिएट इंस्टेंट आने पर क्या हो जाता है, स्टार्टिंग बाइंडिंग को क्या करता है, कट कर देता है, कौन? तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच, किसमें? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में।